नमस्कार, आप देख रहे हैं C20 न्यूज और मैं हूं बनवारीलाल कुशवाहा। देखते हैं कुछ खास खबरें। फिरोजाबाद जनपद के शुकोहाबाद में अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस के अवसर पर सेवा पर्यावरण कृषि एवं महिला उत्थान सेवा समिति के तत्वाधान में जिला संयुक्त चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक आलोक शर्मा के नेतृत्व में बेटियों को सूट बांटकर बेटी दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्था सचिव राम प्रकाश गुप्ता ने महिलाओं को जागरूक करते हुए कहा, गर्भ से जन्म लेते ही बेटियों को बोझ समझा जाता था, बेटियों को पढ़ाने से ज़्यादा उनके ब्याहने की फिक्र रहती थी, बहू गर्भवती हुई और बेटा पैदा होने की मनोकामना शुरू हो जाती थी, सासू माँ अपने पोते का नाम तक सोच लेती थी, ऐसा महिलाओं को नहीं करना चाहिए। आज बेटियों ने हर सेक्टर में अपनी काबिलियत साबित की है। संस्था के वरिष्ठ सलाहकार शिक्षक पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने महिलाओं को जागरूक करते हुए कहा कि एक बेटी दो परिवारों के साथ लेकर चलती है, बेटियाँ हम सभी को बेटियों को बेटे के समान मानना चाहिए। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक आलोक शर्मा ने बेटियों के प्रति महिलाओं को जागरूक करते हुए कहा, माता पिताओं को बेटियों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, बेटियां तो कुल का नाम रोशन करती हैं। इस मौके पर डॉक्टर प्रियंका यादव, डॉक्टर नीता गुप्ता, डॉक्टर अभिषेक यादव, डॉक्टर विनीत पालीवाल, डॉक्टर विनीत यादव, डॉक्टर करदम, डॉक्टर शिव कुमार चौधरी, डॉक्टर केशव पालीवाल, डॉक्टर नेहा शर्मा, JS यादव, रणवीर सिंह, CV सिंह सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर आलोक शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। तो देखते रहिए C20 न्यूज़ के साथ पुष्पेंद्र प्रताप सिंह की ये खास रिपोर्ट। विश्व बालिका दिवस है, बिटिया दिवस है, तो उसके उपलक्ष्य में ये हमारे शिवा कृषि एवं ग्राम उद्योग संस्थान के जो गुप्ता जी हैं, ये आज इन बच्चों इन्होंने मन में इच्छा जाहिर हुई कि जितनी बेटियाँ जो बच्चियाँ पैदा हुई हैं उन सबको हम नवजात बच्चियों को हम कपड़े दें, उस उद्देश्य से ये आए थे। हमारे यहाँ जितने भी बच्चे जो पैदा हुए थे, चाहे ऑपरेशन से या नॉर्मल से, और जो कमज़ोर बच्चे भर्ती थे NRC के, उन सबको इन्होंने जो है नए कपड़े आज वितरित करे हैं और सभी बच्चों के चेहरे पे और उनकी माओं के चेहरे खिल चुके हैं और वो प्रसन्न थे। हमारे यहाँ पे जो NRC है उसमें कृषि संस्थान के द्वारा श्री गुप्ता जी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। हमारे यहाँ जो लड़कियाँ हैं जितनी भी, उनके लिए कपड़े वगैरह देके और ये भी साथ में दर्शाया है कि बेटी और बेटे में कोई भी व्यवहार गलत व्यवहार, मतलब दोनों में समानता है, कोई भी अपोजिट नहीं है। और यहाँ पे जो डिलीवरी हुई वहाँ भी सब जगह उन्होंने सबको कपड़े वितरित किए, जिससे कि सबके चेहरे पे बहुत ही खुशी और मुस्कान। अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस के उपलक्ष्य में सेवा पर्यावरण कृषि एवं महिला उत्थान सेवा समिति के तत्वाधान में संयुक्त चिकित्सालय सुखावाद में आज जितने बेटियों ने जन्म लिया है और बेटियों ने जन्म लिया, सभी की समान करते हुए सभी को आज कपड़े उनके वितरण किए गए संस्था द्वारा। और आज में बहुत ही अच्छा लगा है कि महिलाएं अपने पुत्र या बेटी को जन्म देती हैं वो एक समान होना चाहिए, बेटियों को कभी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। बेटी एक आज कितनी उड़ाने भर रही हैं, जो बेटी बेटे से कम नहीं है, लेकिन हम तुम सब लोगों को जागरूक होना चाहिए, बेटी और बेटे में कोई समानता भिन्नता नहीं रखनी चाहिए, बेटियों को एक समान रखना चाहिए। आज संस्था ने हमारे शिक्षक पुष्पेंद्र प्रताप सिंह और हमारे कंचन सिंह, ये सभी लोगों के पदाधिकारियों ने मिलकर के आज संयुक्त चिकित्सालय और डॉक्टर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक आलोक शर्मा के नेतृत्व में आज 50 सूट बांटे गए हैं बच्चों को। सभी मुझे बहुत अच्छा लगा है।